प्रकरण 9 स्वामी श्रद्धानंद सामाजिक क्रांति के ज्योतिपुंज। काशी का विश्वनाथ मंदिर द्वार पर एक युवक खड़ा था। वह विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता था, किंतु मंदिर के द्वार बंद थे। द्वार पर खड़े पहरे वाले ने कहा, इस समय महारानी साहिबा पूजा कर रही है, उनके चले जाने पर ही द्वार खुलेगा। देवता के दर्शनों के लिए पक्षपात? देवता की मूर्ति भी क्या पक्षपाती हो सकती है? मनुष्य क्यों देवता के दर्शनों के लिए भेदभाव करता है? ऐसे अनेक प्रश्नों ने उस युवक को परेशान कर दिया। उसने उसी दिन से मूर्ति पूजा बंद कर दी। इस युवक का नाम था मुंशी राम। घोर सनातनी परिवार में वह पला था। शिवजी की पूजा अर्चना करना ही उसका कर्तव्य था, किंतु मूर्ति पूजा के प्रति उसका इस तरह विरोधी हो जाना पिता को सहन न हुआ। मुंशी राम के मन में बचपन से ही दलित और दुखी लोगों के प्रति प्रेम था, किंतु अन्याय के भी वह विरोधी थे। मुंशी राम का विवाह लगभग 20 वर्ष की आयु में हो गया था। पढ़ाई पूरी कर 23 वर्ष की अवस्था में वह नायब तहसील बन गए। अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों की अफसरशाही से तंग आकर मुंशी राम ने नौकरी छोड़ दी और पिता के पास रहने लगे। इसी बीच मुंशी राम ने महर्षि दयानंद सरस्वती का भाषण सुना। उनके विचारों ने मुंशी राम पर बहुत प्रभाव डाला। फल यह हुआ कि सनातन धर्म के प्रति मन में जो आस्था डिग चुकी थी वह पूरी तरह उखड़ गई। महर्षि दयानंद के विचार उन्हें अपनी ओर खींचने लगे और मुंशी राम ने आर्य समाज की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय कर लिया। इस दौरान उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और जालंधर में वकालत करने लगे, किंतु वकालत के काम में आप कम ध्यान देते थे, आर्य समाज के प्रचार में अधिक जुट गए। आपने आर्य समाज के पत्र सत्य धर्म प्रचारक का संपादन किया तथा जालंधर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई। महर्षि दयानंद सरस्वती देश की शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना का निश्चय किया। मुंशी राम इस कार्य के लिए रुपये इकट्ठे करने निकल पड़े। आखिर हरिद्वार के पास गुरुकुल की स्थापना हुई और मुंशी राम वहीं रहने लगे। गुरुकुल में उन्होंने सबसे पहले अपने लड़कों को भर्ती किया। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति शुद्ध राष्ट्रीय और स्वतंत्र थी। मुंशी राम उनके अधिष्ठाता बने और 15 वर्ष तक उसके विकास के लिए कार्य करते रहे। सन 1917 में मुंशी राम ने संन्यास ले लिया और तभी से वह स्वामी श्रद्धानंद कहलाने लगे। वह गुरुकुल छोड़कर दिल्ली आ गए। अछूत समझे जाने वाले लोगों की अपनाना आर्य समाज का एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। आर्य समाज में जाति पाति का भेद नहीं माना जाता, इसलिए स्वामी श्रद्धानंद ने दलितोद्धार का कार्यक्रम बड़े जोरों से शुरू किया। उस समय के समाज के लिए यह कार्यक्रम अत्यंत क्रांतिकारी कदम था, किंतु स्वामी जी ने सभी विरोधों के बावजूद अपने कार्यक्रम को जारी रखा। उनका विचार था कि कोई व्यक्ति कितनी ही हीन जाति का क्यों न हो, शुद्ध होने पर वह हीनता के सभी बाह्य लक्षण दूर कर नए रूप में प्रकट हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने चेतावनी दी थी कि यदि दलितोद्धार के कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व न दिया गया तो राष्ट्रीय विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, इन शब्दों पर गहरा विचार कीजिए और सोचिए कि किस प्रकार आपके 6.5 करोड़ भाई, आपके जिगर के टुकड़े जिन्हें आपने काटकर फेंक दिया है, किस प्रकार भारत माता के 6.5 करोड़ पुत्र एक विदेशी सरकार रूपी जहाज के लंगर बन सकते हैं। मैं आप सब बहनों और भाइयों से एक याचना करूंगा, इस पवित्र जातीय मंदिर में बैठे हुए अपने हृदय को मात्र भूमि के प्रेम जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि आज से वे 6.5 करोड़ हमारे लिए अछूत नहीं रहे, बल्कि हमारे बहन और भाई हैं। उनकी पुत्रियां और उनके पुत्र हमारी पाठशालाओं में पढ़ेंगे, उनके गृहस्थ नर नारी हमारी सभाओं में सम्मिलित होंगे। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद के प्रयत्नों का ही फल था कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने अछूत कही जाने वाली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्रीय प्रगति में जो बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था वह सफल न हो सका। स्वामी श्रद्धानंद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता तभी संभव होगी जब हिंदू अपने आंतरिक दोषों को दूर करेंगे। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने ठीक ही कहा था। स्वामी श्रद्धानंद भारत के वीर काल के एक दिव्य विभूति थे। भारतीय जीवन की आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र की सब क्रांतियों में उनका अपूर्व योगदान था।